वेल फ्रेंड्स, तो बहुत ही बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दबंग 3 के डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वाकई में इस मूवी का जैसा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सोचा गया था उसी तरह से इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल कर आ रहा है। बहुत सारे लोगों के प्रेडिक्शन सही हो रहे हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं वाकई में अभी तक डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का क्या है हाल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज दबंग 3 रिलीज होगी। मैंने रिव्यू नहीं किया, लेकिन आपके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेकर आया हूं, क्योंकि रिव्यू करने का टाइम नहीं मिल पाया और आगे हो सकता है मैं रिव्यू लेकर आऊं। तो पहले एक दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट बता रही है, म्यूजिक राइट, सैटेलाइट राइट और डिजिटल राइट से टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की कमाई जो बताई जा रही है 150 से 160 करोड़। वहीं अगर मैं बात करूं इस मूवी के, जैसा कि सब लोग सोच रहे थे कि ये मूवी एक तो 4 भाषाओं में रिलीज हो रही है, 4 लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, और कन्नड़ा सुपर स्टार किच्चा सुदीप जो कि इस मूवी पर एक अहम किरदार निभा रहे हैं, और वहाँ की जो जनता है, पब्लिक है, और जो 4 लैंग्वेजेस की जनता है, और जो अपने बॉलीवुड यानी हिंदी लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा लोगों ने ये सोचा था कि ये मूवी पहले दिन 50 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी। वैसी ही कुछ रिपोर्ट्स बताई जा रही है कि इस मूवी ने जहां अपने म्यूजिक राइट, सैटेलाइट, डिजिटल राइट से 155 करोड़ कमाए, वहीं इस मूवी की जो स्क्रीन्स हैं 7000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है ये मूवी। और 7000 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या हुआ होगा। जैसा कि सबने सोचा था कि हिंदी वर्जन से यह मूवी 25 से 26 करोड़ कमाएगी, वहीं ये मूवी अदर लैंग्वेज से मिला के आई थिंक 14 करोड़ के लगभग की उन 4 भाषाओं से कमाई बताई जा रही है। तो आप लोगों के हिसाब से, जैसा कि आप लोगों ने कलेक्शन सोचा था उसी हिसाब से ये मूवी 40 से 50 करोड़ का आंकड़ा पार करती भी दिखाई दे रही है। और इस मूवी को हिट सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर होने के लिए अब जो कि आज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फाइनल होके निकल के आएगा उस पर बात करेंगे। और हिट होने के लिए इसको 105 करोड़ के लगभग का बजट है, और आई थिंक हिट हो जाएगी 120 करोड़ तो इसका तय है ऐसे ही होना, और 200 करोड़ फाइनल जाने वाली है। ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं ये आप लोग प्लीज़ बताना, जबकि इस मूवी को ब्लॉकबस्टर होने के लिए आई थिंक 300 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहले ही रिलीज़ होने से पहले तक का जो प्रेडिक्शन था वो 155 करोड़ ऐसे कमा लिया, और बाकी अब जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट है वो क्या बताती है वो हम कल आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों तुरंत शेयर करना, और हमसे जुड़े रहने के लिए बॉलीवुड चलो गाइस सब्सक्राइब का बटन दबाना। दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, वाकई में ये कलेक्शन क्या और ज़्यादा बढ़ने वाला है सैटरडे संडे में? प्लीज़ बताइएगा कॉमेंट करके।